गाइस, क्या आपको पता है कि हर्पिस जोसर किसे कहते हैं? और क्या आपको ये पता है कि ये वायरस नर्व्स में चिकन पॉक्स हो जाने के बाद भी कई सालों तक पड़ा रहता है? और क्या आपको इस वायरस के कॉज के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि हर्पिस जोसर, जिसे हम भैंसिया दाद भी कहते हैं, इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? तो गाइस, ये सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो बिना किसी तरीके, बिना किसी इंट्रो के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, हर्पिस जोस्टर और सिंगल्स एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, और जो कि नर्व्स को अफेक्ट करता है, जिसमें स्किन पर पेनफुली रेसेस ब्लिस्टर के रूप में हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके कॉज की, तो हर्पिस जोस्टर चिकन पॉक्स वायरस के रिएक्टिवेशन की वजह से भी होता है। और दूसरा गाइस, हर्पिस जोस्टर नर्व्स में ही चिकन पॉक्स हो जाने के बाद कई सालों तक पड़ा रहता है। अगर हम बात करें गाइस इनके साइन एंड सिम्टम्स की, तो गाइस हर्पिस जोस्टर जो है मुख्य रूप से गर्दन एंड बटॉक्स पर होते हैं, लेकिन ये आर्म, लेग और फेस पर भी आपके हो सकते हैं। एंड गाइस, जिस जगह पर हर्पिस जोस्टर अपीयर होता है, वहां स्किन पर हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसी के साथ 4 से 5 दिनों में रेसेस निकलते हैं, जो छोटे छोटे रेड स्पॉट्स जैसे होते हैं। यही रेसेस ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही ब्लिस्टर बाद में पीले होकर सूख जाते हैं, और इसी वजह से वहां पर स्कार यानी कि एक दाग बन जाता है। एंड गाइस, एक चीज और है कि रेसेस जो होते हैं वो जनरली लोकलाइज्ड होते हैं, और इसी वजह से वो बॉडी में एक साइड पर होते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें इनके ट्रीटमेंट की कि इसका इलाज किस तरह से किया जाता है, तो इसमें आपको टेबलेट जोविरॉक्स, जिसमें सेक्लोविर 800 एमजी में होता है, तो ये एक गोली डॉक्टर द्वारा दिन में 3 बार दी जाती है। इसी के साथ आप ऑइंटमेंट जोविरॉक्स ले सकते हैं, जिसमें भी सेक्लोविर होता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है, तो आप इसकी जगह पे हर्पिकाइंड भी ले सकते हैं। याद रखें, उसका जो कंपोजिशन है वो सेक्लोविर ही होना चाहिए। इसको आप अपने अफेक्टेड पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसको लगाने के बाद में आप सुथरामाइसिन क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो आपको दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए आप एक टैबलेट जीरोडॉल पी भी ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप इसको 3 टाइम लें। अगर बहुत कम है, नॉर्मली है, तो आप इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं। अगर किसी वजह से जीरोडॉल पी से आपका दर्द कम ना हो रहा हो, तो आप इसकी जगह पर ट्रामाडॉल भी टैबलेट ले सकते हैं। हॉर्पेटिक न्यूरोलोजिया के लिए आप टैबलेट जिप्टॉल 200 mg की मात्रा में ले सकते हैं, जिसे आपको एक गोली सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम खाना होता है। वैसे तो आपको स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप इसमें स्टेरॉइड के तौर पर ओमना कार्टिन 5 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे आप दिन में एक गोली सुबह और एक गोली शाम ही लें। इसी के साथ गाइज, आपको मल्टीविटामिन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको मल्टीविटामिन का भी टेबलेट्स लेना है, जिसमें आप टेबलेट NVM ले सकते हैं। इसे रोजाना एक गोली सुबह शाम लिया जाता है। एंड इसी के साथ आप NVM इंजेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे एक एक दिन छोड़कर लगाया जाता है। तो गाइज, ये होता है पूरा कोर्स हर्पिस जोस्टर का, जिसे हम भैंसिया दाद भी कहते हैं। अगर आप ये पूरा कोर्स करते हैं, तो आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो मैंने आपको मेडिसिन बताई, ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन हो सकता है आपके केस में डॉक्टर कोई दूसरी दवा लिखे। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लें, क्योंकि गाइस ऐसा होता है, मैंने एक्चुअली आपको जानकारी दी, वो एक नॉलेज के पर्पस से थी, मैंने आपको दी, लेकिन ऐसा हो सकता है आपकी जो सिचुएशन है वो अलग पेशेंट के हिसाब से अलग हो, तो इस वजह से जो आपकी दवाई है, जो आपका डोज है, वो डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे कोई भी वीडियो देखने से आप उसकी जानकारी को लें, ना कि दवाई लेना शुरू कर दें, इससे आपको घातक परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो गाइस, ये थी पूरी जानकारी। अगर इस वीडियो में मुझसे कुछ छूटा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव यू इंडिया।